हेलो दोस्तों, चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे तो अब हम लोग का पार्ट आ चुका है 14, 14 नंबर। तो 14 में पढ़ना है, यानी पार्ट 14 में पढ़ना है आइसो थायो साइनेट। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को पढ़ना है आइसो थायो साइनेट। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे थायो साइनेट। क्या पढ़े थे? थायोसाइनेट के बारे में पढ़े थे। तो थायोसाइनेट का क्या होता है? होता है बॉन्ड SCN। क्या होता है? बॉन्ड SCN। अब देखिए यहाँ पर आइसो लग चुका है, तो जैसे आइसो लगेगा तुरंत नाइट्रोजन पहले आ जाएगा। मींस अब मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा बॉन्ड NCS। और एक और बात ख्याल रखना है कि नाइट्रोजन के साथ ही कार्बन रहता है। अगर कार्बन को नाइट्रोजन के साथ में नहीं रखिएगा, देखिएगा यहाँ भी कॉन्टेक्ट में है, यहाँ भी कॉन्टेक्ट में आएगा। अगर इसको कांटेक्ट में नहीं रखिएगा, किसको? नाइट्रोजन को कार्बन के साथ कांटेक्ट में नहीं रखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा, मतलब ऑक्टेट नहीं पूरा होगा, वो गड़बड़ा जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड NCS हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा। हम जानते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसी फंक्शनल ग्रुप में R जोड़ देते हैं, अल्काइल जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला बन जाता है, यानी R बॉन्ड NCS हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें भी केवल कॉमन नेम होगा, तो कॉमन नेम कितना आसान है, देखिए कैसे आसान है। इसका खुद का नेम लिख देंगे तो R से क्या अल्काइल है, तो लिख देंगे अल्काइल, अल्काइल। चलिए इतना पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इतना पार्ट को आइसो थायो साइनेट कह रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे आइसो थायो साइनेट, क्या हो जाएगा? आइसो थायो साइनेट। यानी एक एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं, तो CH3 बॉन्ड NCS, इसका नेम क्या होगा? ये मिथाइल है, तो लिख देंगे क्या? मिथाइल। और इसमें केवल कॉमन नेम पाया जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पर मिथाइल। ये टी है, MUTH मिथाइल। और ये वाला पार्ट क्या है? आइसो थायो साइनेट, तो लिख दीजिए आइसो, आइसो के बाद थायो CYA साइनेट हो जाएगा, ठीक है। अब दे रहे हैं, बना लीजिएगा C2H5 बॉन्ड NCS, C3H7 बॉन्ड NCS, C4H9 बॉन्ड NCS। ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये ब्यूटाइल है, और ये क्या सब क्या आइसो थायो साइनेट है। चलिए वीडियो में